हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप घर पे ही 5 मिनट में स्लाइम कैसे बना सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने जो एक वीडियो बनाया था कि नेल्स को ग्रो कैसे किया जाता है, उसमें मैंने आपको नेल्स दिखाए थे कि जो मेरे नेल्स ग्रीन हो गए हैं तो स्लाइम बनाने की वजह से हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि स्लाइम बनाने बताओ कि कैसे बनाया जाता है, प्लीज़ बताओ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैंने आपको स्लाइम बनाना दिखाया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो इस वीडियो में कोई भी कट नहीं रहेगा, मैं आपको बाकायदा 5 मिनट के अंदर ही जो है स्लाइम आपको बना करके दिखाऊंगी। हाँ, ये वीडियो की स्पीड में ज़रूर बढ़ा दूँगी, बट इस वीडियो में कोई भी कट नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेविकॉल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 20 रुपीज़ का फेविकॉल लिया है। इसके बाद हमें बोरेक्स पाउडर चाहिए। बोरेक्स पाउडर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैरम पाउडर होता है और ये मैंने वासु का लिया है। बचपन से यही यूज़ करते आए हैं और यही मेरे पास पड़ा भी था, अभी लॉकडाउन में लिया था। तो ये जो है बोरेक्स पाउडर लेना आप चाहो तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें कटोरा ले लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे। तो हम 20 रुपीज़ का हालांकि पूरा का पूरा फेविकॉल यूज़ करेंगे, बट हम स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, लाइक 3 चम्मच लगभग डालेंगे। और लास्ट में ना हमें 1 चम्मच लगभग बचा के रखना है इसी बॉटल में, ठीक है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें बचा के रखा हुआ है, बाकी पूरा मैंने इसमें डाल दिया है फेविकॉल। और इसके बाद हम गर्म पानी नहीं लेंगे, ज़्यादा गुनगुना पानी लेंगे, मतलब गुनगुने पानी से हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए। फिर इसके बाद ना हम इसकी क्वान्टिटी देख लेंगे। तो आपको ना थोड़ा सा ही गर्म पानी लेना है, लाइक 3 से 4 चम्मच ही लेने हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टीस्पून लिया है, 4 से 5 लगभग। और उसके बाद जो बोरेक्स पाउडर है वो आपको डाल देना है। तो हालाँकि आपको कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया, सबसे छोटा वाला जो स्पून रहता है वो 1/2 टीस्पून लिया है। और आपको ना ये जो बोरेक्स पाउडर पानी में इजीली ना मिलता नहीं है, तो ये जो लंग्स है ना उन्हें आपको मतलब अच्छे से बोरेक्स पाउडर को ना मिक्स कर लेना है। और इसके बाद ना स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 चम्मच लिया है, ठीक है। तो 2 चम्मच लेके टी स्पून है, ध्यान रखिएगा छोटा वाला स्पून है। तो हम ना फेविकॉल में डालेंगे और इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। तो बोरेक्स पाउडर क्या करता है ना फेविकॉल को ना मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी उसे चेंज कर देता है। तो जब हम बोरेक्स ये वाला पानी जो डालते हैं ना फेविकॉल में, तो फेविकॉल जो है ना वो कटोरे को ना छोड़ने लगता है, मतलब जो अपनी जगह है उसे छोड़ने लगता है। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से एक ही बारी में इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो जब ये छोड़ना स्टार्ट कर देगा ना, ऐसे छोड़ देगा ना, तो हम इसमें ना पूरा का पूरा फेविकॉल और भी ज़्यादा मिला देंगे, जितना भी हमने बचाया हुआ था। वो इसलिए करेंगे क्योंकि एक बारी में ये फेविकॉल जो है वो मिल जाता है, मतलब जो छोड़ देता है अपनी जगह, पर हमें इसे दोबारा डालना ज़रूरी रहता है क्योंकि बस ऐसे ही डालना ज़रूरी रहता है क्योंकि एक बार मैंने जब इसे बाद में डाला था तो अच्छा बना था, और जब मैंने पूरा का पूरा फेविकॉल एक साथ डाल दिया था तब अच्छा नहीं बना था। तो ये जो यहाँ पे कट आया था ना, अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला वीडियो में कट नहीं रहेगा, बट यहाँ पे एक कट आया था। तो उस टाइम पर ना मैं ये फूड कलर लेने गई थी। तो आपको ना 2 फूड कलर लेने, मतलब कोई से भी फूड कलर ले सकते हो। मैंने पिछली बार ग्रीन यूज़ किया था, इस बार मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। और जब आपको इसे मतलब अच्छे से डाल देना है ना, फूड कलर डाल के इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो जब आप मिक्स करोगे ना तो ये फेविकॉल वापस का वापस वैसा ही हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अंदर फेविकॉल ने बाहर बाहर से छोड़ी थी जगह, बट अंदर से नहीं छोड़ी थी ना, इसलिए। तो इसके बाद हम थोड़ा सा बोरेक्स पाउडर और डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ध्यान रखना, बोरेक्स पाउडर ज़्यादा नहीं डालना चाहिए अगर आपका स्लाइम बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो आप ये समझना कि आपने बोरेक्स पाउडर बहुत ही ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब मैंने 3-4 बारी ट्राई किया था तो बोरेक्स पाउडर बहुत ज़्यादा चला गया था, इस वजह से जो स्लाइम है वो अच्छा नहीं बन पा रहा था और हार्ड हो जा रहा था। तो बोरेक्स पाउडर आपको कम ही डालना है। और जब आपका ऐसे हाथ में आने लग जाए, मतलब कटोरा छोड़ने लग जाए और ये जो स्लाइम है आपका हाथ में आने लग जाए, तो आपको स्लाइम को बहुत ही ज़्यादा फैलाना है, मतलब कोई भी एक प्लेन सरफेस पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेन सरफेस, यानी थोड़ा सा ना वैसा वैसा सरफेस होना चाहिए, फिसलने वाला सरफेस होना चाहिए।
और उस सरफेस पे ना आपको स्लाइम को बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा खींचना है। वो इसलिए खींचना है क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो स्लाइम जब बन जाएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच पाएगा, और अगर आप इसे लंबा नहीं खींचोगे तो ये जो स्लाइम है आपका तो लंबा नहीं खींचेगा। तो आप ध्यान रखना, आपको ध्यान किन बातों का रखना है, सिर्फ एक ही चीज़ का रखना है कि आपका जो बोरेक्स पाउडर है वो उसकी क्वान्टिटी लिमिटेड होनी चाहिए। उसकी क्वान्टिटी अगर आप ज़्यादा करोगे तो ये जो स्लाइम आपका ख़राब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका स्लाइम एकदम परफेक्ट बने, तो मैंने जो स्टार्टिंग में 2 चम्मच लगातार डाल दिए थे बोरेक्स पाउडर के, तो आप 2 चम्मच पानी ना डाल के थोड़ा थोड़ा सा ज़रा ज़रा सा पानी डाल के बहुत देर तक मिक्स करो। तो बहुत देर तक मिक्स करने से क्या होगा, जो अंदर का भी फेविकॉल है ना वो अच्छे से उसमें बोरेक्स पाउडर में मिक्स हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छा स्लाइम देगा। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ हालांकि। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही बारी में परफेक्ट बने, तो आप थोड़ा थोड़ा सा बोरेक्स पाउडर लेना ताकि आपको ना क्वांटिटी समझ में आ जाए। और जब आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, बनाने लगोगे, तो आपको जो क्वांटिटी है वो आराम से समझ में आ ही जाएगी। तो जो मैंने आपको क्वांटिटी बनाई, आप वो क्वांटिटी में भी बनाओगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से ना आपको काफ़ी देर तक, ये तो आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है, क्योंकि स्लाइम तो आपको 5 मिनट में बन ही जाएगा, बट 15 मिनट तक आपको ये करना है। तो इस तरह से खींचते खींचते आपका स्लाइम बन ही जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपना फेवरेट टॉपिक कमेंट में ज़रूर करिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।